जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट डे पर आपका स्वागत है। बात करेंगे करंट अफेयर क्लासेस के अंतर्गत पे 6 जून से लेकर 10 जून के इंपॉर्टेंटली 5 डेज का जो भी करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हीं करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। UKSSC, UKPSC या UPSC, ETC, UPPSC या UKPSS, जो भी स्टेट है किसी भी अंतर्गत पर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आज के टाइम पर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसके अंतर्गत पर किसी भी सब्जेक्ट से या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स लेवल से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिलेट कर जाता है करंट अफेयर के अंतर्गत से। उसको ध्यान में रखते हैं हमारे द्वारा आपके लिए क्या किया जाता है, लगभग लगभग 5 डेज या 10 डेज का जिस हिसाब से हमारा टाइम मैनेज होता है, उस हिसाब से आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं, उसी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि है कंप्लीटली रूप से हम सारा का सारा कुछ भी है तो उसको करंट अफेयर के अंतर्गत पर रिलेट करते हैं, ऐसा एग्जामिनर पूछता नहीं है। अगर आपको कोई भरोसा ना हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे SSC, CHSL, CGL या ETC, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप उसके अंतर्गत से ही इसके अंतर्गत पर आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको किस रूप से इसमें तैयारी करनी है और किस रूप से पूछते हैं। बार बार हम कहते हुए आते हैं कि आप पेन कॉपी लेकर आराम से बैठेगा और नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अभी जैसे ही COVID-19 का ये सेशन शुरू हो जाता, बंद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे, चालू करा दिया जाएगा, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, ये सीरीज़ आपके लिए मददगार साबित करेगा। ये रहा प्यारा भारत। प्यारे भारत के अंतर्गत पर देखिए, 2 मैप इसके अंतर्गत पाया मैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, और एक अंतर्गत पे स्टेट कहाँ पर कौन सा स्टेट है और कहाँ पर क्या बिलोंग करता है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप भारत के अंतर्गत पे रहते हैं। फिर उसके बाद में रिलेट होता है आप किस स्टेट के अंतर्गत पे। स्टेट PSC की बात आती है तो UPSC के अंतर्गत पर पूरा ऑल इंडिया या इंटरनेशनल जो भी चीज़ें हैं बहुत सारे रिलेट कर जाता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली रूप से जानते होंगे। यदि आप स्टेट के अंतर्गत की तैयारी करते हैं तो आपको क्या करता है कि 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके अंतर्गत से रिलेट कर जाता है, थोड़ा सा इंटरनेशनल और करंट अफेयर इन हिसाब से क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता है। और अगर आप स्टेट PSC की तैयारी करते हैं तो अपने स्टेट के अंतर्गत से ही एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, और वहीं से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी व्याकरण, जो भी करंट अफेयर सी होता है, सब सारा क्या करने लग जाता है, रिलेट कर जाता है। और हिंदी व्याकरण का भी एक क्लास हमने पूरा प्रोवाइड कराया था आपके लिए, जो मास्टर क्लास है, यदि आपने वो भी नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आपको हिंदी व्याकरण आप जब कोई भी बुक लेके पढ़ेंगे तो तब आपको समझने में आसानी होगी। आगे बात करेंगे अब इसके अंतर्गत पर, तो मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मिलेगा नहीं, और आपको याद करने के लिए भी क्या होगा, इस सरलता सुविधा प्रदान करेगा। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का आज के अंतर्गत पे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्या किया है, अनुवृत्ति कोचिंग योजना को शुरू किया है, किसके द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। ये रहा प्यारा भारत। प्यारे भारत के अंतर्गत पर राजस्थान कहाँ पर स्थित है, ये देखिए राजस्थान, ठीक है। इसके अंतर्गत के राजस्थान के अंतर्गत पर लोकसभा की 25 सीट है तथा राज्यसभा की कितनी है, 10 सीट है। इसके अंतर्गत पर स्थित है राजस्थान की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, जयपुर, और लेकिन इसका हाईकोर्ट जोधपुर के अंतर्गत पर स्थित है। इतनी चीजें समझ ली होंगी। वहां पर क्या कर दिया गया है कि जो ST SC या OBC या आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे या जो लोअर समुदाय के लोग हैं, उनके लिए जिनकी वार्षिक आय क्या है 8 लाख से कम है, तो वो सिविल सेवक की परीक्षा अगर उसको उनको उपलब्ध करनी है, उनको पढ़नी है, तो उनके लिए फ्री प्रोवाइड क्या किया जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा करा दिया जाएगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे है दूसरा क्वेश्चन, देखिए साथ में दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में 6 जून को क्या किया गया 2021 के अंतर्गत पे, 6 जून 2021 के अंतर्गत पे जो 37वीं वर्षगांठ मनाई गई, किसका, ब्लू ऑपरेशन का, ठीक है। क्या किया गया हाल ही में 6 जून 2021 को 37वीं वर्षगांठ ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जिसके अंतर्गत पे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा क्या किया था, पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स, जिसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर, क्या नाम है उसका, हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स, जिसको मंदिर में छिपे हुए जो सिक्का आतंकवादियों को निकालने के लिए कार्य कराया था, लगभग लगभग ये कब चला था, 1 जून से लेकर 8 जून 1984 के बीच में इसको चलाया गया था, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, इतना ही था। आगे है इसके अंतर्गत पे, हाल ही में आई डाटा के अनुसार देश भर में वनों और वृक्षों का आवरण भौगोलिक क्षेत्रफल 24.56% क्या हो गया, अब तक तक पहुंच गया है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है, उसके अंतर्गत पर अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कितना हो गया, 24.56% पहुँच गया, ठीक है, किसका, वन और वृक्षों के आवरण का क्षेत्रफल। इतना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, यहाँ पर रिलेट हो गया। आगे है नीचे, हाल ही में आई डाटा के अनुसार पे मई तक थे GST गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है, GST 3 प्रकार के होते हैं, वैसे आपको पता होगा यदि आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते होंगे, तो वैसे मैंने बता रखा है पहले भी, और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि उनके नाम क्या क्या है। तो 2021 के अंतर्गत मई के अंतर्गत पे कितना पहुंच गया है, GST जो कलेक्शन था 1.03 ट्रिलियन पहुंच गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है
टाइप से मंथली जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी हिसाब से एग्जामिनर भी रिलेट कर देता है। पूछता है कि ऐसे सीरीज दे देगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो किसके अंतर्गत पे कम जीएसटी कलेक्शन रहा, इस रूप से घुमा के क्वेश्चन दे देता है। क्योंकि आपको पता है ना कि मई में तो 1.03 रहा था, इससे पहले कितना रहा था, उसके बाद में कितना रहा, तो एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है, घुमाना है तो सीजीएल के अंतर्गत पे या यूपीएससी जो भी है उसके अंतर्गत पे इस प्रकार की कोशिश करेगा। समझ गए होंगे, आगे बात करेंगे आगे क्वेश्चनों की ओर से। आगे है, हाल ही में भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज INS संध्यावर को जून 2021 में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉक यार्ड में 40 शानदार वर्षों तक राष्ट्रीय सेवा करने के बाद उसको क्या कर दिया गया, सेवानियुक्त कर दिया, सर सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, किसको कर दिया गया, नाम क्या, भारतीय नौसेना के अंतर्गत पर INS संध्यावर। पूछ सकता है कि कब हुआ था, कब इसको रिटायर कर दिया गया था, कितने साल इसने सेवा दी और कहां पर दिया, तो आप समझ जाएंगे कि विशाखापट्टनम के अंतर्गत पे 40 साल तक सेवा दी किसने, INS संध्यावर के द्वारा। अब क्या कर दिया गया, इसको रिटायरमेंट दे दी गई है 2021 के अंतर्गत में जून पर। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष क्या किया गया, न्यायमूर्ति थे न्यायमूर्ति बालाकृष्णन नारायण को नियुक्ति किया गया। किसको, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं कौन है, न्यायाधीश बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति जो रिटायर्ड है उनको नियुक्ति किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश PSC का भी देखिए, जैसे लॉकडाउन खुलता है तो UPSC के क्वेश्चन आने, एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन है क्या कर सकता है, रिलेट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को काली मिर्ची के माइक्रो न्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मुलेशन के लिए क्या प्राप्त हो गया, पेटेंट प्राप्त हो गया। किसको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थापक संस्थान को काली मिर्ची के माइक्रो न्यूट्रिएंट पोलियर फॉर्मुलेशन के लिए पेटेंट क्या हो गया, प्राप्त हो गया। समझ गए होंगे आप, आगे बात करेंगे। पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन, हाल ही में क्या किया गया है, जो संजीव नंदन सहाय को तेल निर्यातक के नए अध्यक्ष के रूप में क्या कर दिया गया है, चुना गया। पूछ सकता है संजीव नंदन सहाय को, ठीक है, इनका पूरा नाम है संजीव नंदन सहाय को तेल निकाय PNGRB के नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, चुना गया। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, उतना ही क्वेश्चन हम आपके लिए इसके अंतर्गत भी रिलेट करते हैं, जितना एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जामिनर आपको पूछ सकता है आने वाले टाइम के लिए, वैसे उसे बढ़ाया जाता है इसलिए, ताकि और वीडियो भी क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की भी कोशिश की जाती है, ताकि आप स्टूडेंट जो भी आप इसको देख रहे हैं आपको ये बोरियत ना लगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 7 जून को मनाया गया। प्रतिवर्ष कब किया जाता है, किस प्रकार से दिवस वाले भी क्वेश्चन है बहुत सारे से पूछ सकता है, थीम पूछ देता है कि जब आपका होगा तो करंटली थीम क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन है घुमाने है, आप खुद ही जानिए कि अब एग्जामिनर क्या ज़्यादा जो पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछना है तो इसी के अंतर्गत से रिलेट करना है, दिन दिवस से रिलेट करेगा, तो दिन दिवस तो सब याद कर लेते हैं लेकिन थीम कम याद करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंटों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये इसको कौन बनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बनाता है। अगर 2020 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 7 जून को मनाया गया। अगर 2020 के बाद के तो खाद्य सुरक्षा निगम के अंतर्गत जो ये खाद्य सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया गया, इसका विषय क्या है, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, क्या है, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय 2021 का थीम हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कोरोना वायरस जो वैक्सीन लग रहा है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गुलाबी बूथ को शुरू किया गया, कहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया। अब देखिए क्या है कि देखिए देहात के एरिया के अंतर्गत पर जो महिलाएँ हैं पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको जागरूकता फैलाना है, क्योंकि इसके अंतर्गत पर क्या होता है कि पॉलिटिक्स बहुत सारी पार्टियाँ होती है और बहुत जो भी होता है, तो इसके अंतर्गत पर जैसे आर्थिक सामाजिक रूप से हम कह सकते हैं तो उन पर भ्रम की स्थिति फैला दी जाती है कि अगर ये चीज़ें हैं, तो उसी प्रकार गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर जो भी प्रोसेस चलाया गया है गुलाबी बूथ को शुरू किया गया है, ताकि उसको कोरोना वैक्सीन से संबंधित तथा COVID-19 से संबंधित जो भी है उससे क्या किया जाए, महिलाओं को जागरूकता पैदा कराया जा सके। आगे है, नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे 6 जून को मनाया गया। हाल ही में क्या किया गया, नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे कब मनाया जाता है, 6 जून को मनाया गया। और अगर देखिए 6 जून को नहीं मनाया जाता, हर साल जून के पहले रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार 6 जून को पहला रविवार पड़ा है इसलिए हर साल जून के पहले रविवार को क्या किया जाता है, USA व दुनिया में इसको मनाया गया था, प्रत्येक साल क्या किया जाता है, जून के पहले रविवार को नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार कब किया गया था, 2021 के अंतर्गत 6 जून को संडे पड़ा था, पहला संडे जून का, तो तब इसको सेलिब्रेट किया गया था।
आगे बात करेंगे। और इसके अंतर्गत की बात करें तो अगर 1998 ईस्वी में क्या किया गया था, जो गैर लाभकारी नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे फाउंडेशन द्वारा क्या किया गया, इसको शुरू किया गया। आगे है नीचे क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पे, ये देखिए भारतीय अमेरिकी कृष्ण कुमार एडाथिल के नेतृत्व में, ठीक है, क्या किया गया, भारतीय अमेरिकी कृष्ण कुमार एडाथिल के नेतृत्व वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ द एक्सीलेशन, जिसको AICOE कहा जाता है, को 2021 स्टेट इस ग्रुप 50 नेशनल अवार्ड्स के हिस्से के रूप में स्टेट इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। क्या हुआ है, भारतीय अमेरिकी जो कृष्ण कुमार एडाथिल के नेतृत्व वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ द एक्सलेंस 2021 स्टेट स्कूप 50 नेशनल अवार्ड्स के हिस्से के रूप में स्टेट इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड क्या है, इनको मिला है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे है हाल ही में शिव राज्याभिषेक दिवस का मनाया गया, 6 जून को मनाया गया। आखिर क्यों मनाया जाता है, अब इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक का दिन था, इसको ही शिव राज्याभिषेक के रूप में 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या गया था, 6 जून 1674 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 6 जून 1674 को मराठा ताज इनको शिवाजी को पहनाया गया था। और इस बार का 348वां राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ किले में मनाया गया था। मनाया गया था 348वां जो राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ किले के अंतर्गत मनाया गया था, 6 जून 1674 को मराठा ताज इनको पहनाया गया था। तब से शिव राज्याभिषेक दिवस शिवाजी के जिस दिन उनको ताज पहनाया गया था, उस दिन से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है गुजरात के केवड़िया को क्या किया जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कन्फ्यूजन मत होइएगा, यह है क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात के केवड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में नामांकित किया गया। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर होगी, इसके अंतर्गत पे गुजरात के अंतर्गत पे केवड़िया जगह है, उसको क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में नामांकित किया जाएगा। अब देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया, व्हीकल हो गया, वाहन हो गया, सिटी शहर, जो इलेक्ट्रिक जो वाहन बनता है उसको क्या किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से आने वाले टाइम पर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। गुजरात के अंतर्गत पे केवड़िया, ठीक है, कच्छ की खाड़ी भी पर स्थित है, गुजरात के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे पायदान पर पहुंच गए। ठीक है, हाल ही में क्या है कि भारत के अंतर्गत पर जो सुनील छेत्री फुटबॉलर है, अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले क्या हो गए, दूसरे पायदान पर ये पहुंच गए। ठीक है, इन्होंने लियोन मेसी और एटीसी को पीछे कर दिया है। अब इनसे पहले नंबर पर कौन है, रोनाल्डो है, और दूसरे नंबर के सुनील छेत्री पहुंच गए। और तीसरे नंबर की बात करें तो मेसी टीसी एक दो लोग और है इसके अंतर्गत पे, इतना ही जान लीजिए, इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता। आगे बात करेंगे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर जागरूकता अभियान, प्लास्टिक हैकथॉन 2021 अभियान। ठीक है, क्या किया गया, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है, प्लास्टिक हैकथॉन 2021 अभियान। IUCN के अनुसार किया गया, एक डाटा जारी कर दी गई है IUCN के अंतर्गत पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है कि 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल कचरा क्या होता है, समुद्रों के अंतर्गत पे प्रवाहित होता है, इतना महासर से प्रत्येक साल प्राप्त किया जाता है, इतना डालने समुद्र के अंतर्गत पे कचरा। आप खुद ही जानिए कि जब हम समुद्र के अंतर्गत पे कचरा डालेंगे, समुद्र के अंतर्गत से ह्यूमन क्या करता है, जो मछलियाँ होती हैं और चीज़ों गहेंगे, जो भी चीज़ें होती हैं और चीज़ों भी खाने वाली चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ से निकालता है, और जो बारीक रूप से क्या हो जाता है, घुल कर वो जीव खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंसान के शरीर पर आने के बाद में क्या हो जाता है, इंसान को कैंसर सी बहुत सारी बीमारियां यहां पर पनपने लग जाती है। ठीक है, और ये जैव विविधता जैव के अंतर्गत पे काफी संकट का भी क्या होता है, मुख्य बात को इसको माना जाता है। आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे, तो समझ गए होंगे, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से लेकर 2024 की अवधि के लिए चुना गया। क्या किया गया हाल ही में भारत को, ठीक है, इंडिया को क्या किया गया, यहां पर देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए 2022 से लेकर 24 की अवधि के लिए चुना गया। ठीक, समझ होंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है, असम का राष्ट्रीय उद्यान 6वें नंबर का रायमोना बना। ठीक है, असम के अंतर्गत पे देखिए छठा जो राष्ट्रीय उद्यान है, 6वें नंबर का जो बना है, उसका नाम है रायमोना। देखिए भारत के अंतर्गत पे 104 राष्ट्रीय उद्यान थे, 105वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत पे बन गया है, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है, रायमोहन है। और असम के अंतर्गत पे 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देहिंग पटकाई बन गया। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी देखिए UPSC के अंतर्गत पे एनवायरमेंट साइंस है, तो उसके अंतर्गत से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जो भी 100 कितने बन गए हैं, 104 तो हो गया,
105 और 106 नेशनल पार्क बन के लगभग लगभग इनका जो भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा वीडियो आपके लिए फॉरवर्ड करूंगा और उसके अंतर्गत पे मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो ये असम के अंतर्गत पे छठवा रायमोना जो बना है, इसका अगर लगभग 422 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे फैला है। इसके अंतर्गत पे जो अन्य पाँच है और कौन से हो गए, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामिटी हो गया और औरंगा हो गया, डिब्रू और क्या हो गया, सेखोना हो गया, और सातवें नंबर का कौन गया बन गया है, देहिंग पटकाई बन गया, और भारत के अंतर्गत पे कौन से नंबर का हो गया, 106वें नंबर का पार्क, ठीक, समझ गए होंगे। और सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर 9 स्थित है, और उसके बाद में बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप, सॉरी जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर सर्वाधिक नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर स्थित है कितने हैं, 10 है। और जो नीचे की बात करते हैं, क्या कहते हैं उसको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पर 9 वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर स्थित है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब भारत के अंतर्गत पर कंप्लीटली रूप से 100 कितने बन गए, 6 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान उसके अंतर्गत पे बन गए, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों एक साथ रिलेट कर दिया, आगे बात करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, क्या किया गया, हाल ही भारत के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने क्या किया, स्वदेशी मतलब अपने देश के अंतर्गत पर ही निर्मित, और वो क्या है, हल्के। देखिए कोई भी चीज़ होता है तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, व्हीकल्स जो भी बनता है या जो भी हथियार वेपन्स जो भी बनता है आर्मी एयरफोर्स या नेवी के अंतर्गत पे, तो उनके क्या वेपन्स क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, उनकी क्षमता अधिक होनी चाहिए किसी भी काम पर जिस पर्पज़ से उसको बनाया गया। तो हाल ही में भारत ने क्या किया कि स्वदेशी निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया जिसका नाम ALHMK-3 बनाया गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में 76वें सत्र के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, अब्दुल्ला साहिद को नियुक्त किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद को चुना गया है, ये कहां के रहने वाले हैं, मालदीव के रहने वाले। 75 नंबर के कौन थे, वोल्कन वोंजिकिर थे, कौन थे, 75वें नंबर के वोल्कन वोंजिकिर थे, उनके जगह किसने ले लिया है, अब्दुल्ला साहिद ने ले लिया है, जो कहां के रहने वाले, मालदीव के रहने वाले, मालदीव की कैपिटल माले पर ही स्थित है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना संचालक के महान निर्देशक राजेश पेढ़ाकर को नियुक्ति किया, हाल ही में क्या किया गया है, भारतीय नौसेना संचालक के महान निर्देशक किसको नियुक्ति किया गया है, राजेश पेढ़ाकर को नियुक्ति कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार के सेना संबंधी क्वेश्चन भी एग्जामिनर देखता हूं कि मैं रिलेट कर देता है SSC CHSL के अंतर्गत, CGL अभी NTPC अभी देखिए बहुत सारे एग्जाम होने वाले, तो उसके प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है। पहले क्या था, देखिए अगर आपका CHSL का एग्जाम पूरा कंप्लीटली रूप से हो जाता तो आपके लिए थोड़ा सा पेपर अच्छा बन जाता और इजी, लेकिन देखिए जैसे लॉकडाउन लगा तो पोस्टपोन कर दिया गया, अब देखिए जो नया सेशन आएगा तो नया करंट अफेयर या नए क्वेश्चन उसके अंतर्गत पे एग्जामिनर क्या कर देगा, रिलेट कर देगा और थोड़ा सा पेपर क्या बना देगा, कॉम्प्लिकेटिव बना देगा। और आप देखते होंगे कि SSC CHSL या CGL के अंतर्गत पे भी कट ऑफ किया जाती है, भारी ऊपर को ही चले जाता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, तो इसलिए एग्जामिनर को प्रॉफिट हो गया, अब यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेट कर सकता है, ठीक है एग्जामिनर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पेड़ों के लिए पेंशन योजना को शुरू किया है, ये करने वाला क्या है, देश का पहला राज्य है, देखिए देश का पहला राज्य बना है हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ होगी और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ हो गया। हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि पेड़ों के लिए पेंशन योजना को शुरू की है। अब देखिए जब क्या हो जाएगा कि पेड़ों की उम्र जो 75 साल से अधिक हो जाएगा तो उसको संरक्षण करने के लिए उनके द्वारा पॉलिसी बनाई जाएगी, तथा देखते हैं कि उनके क्या किस प्रकार से पॉलिसी बनाती है, किन प्रकार से वो रुपये देते हैं, कि वो उसको मेंटेनेंस चार्ज किस रूप से करना है पेड़ों के अंतर्गत पे। तो उसी रूप से क्या हो गया, निकटवर्ती जो लोग हैं या जो उसके अंतर्गत में नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद जो भी चलता है तो उनको पेमेंट जो भी उनका प्रोसेस चलेगा उन रूपों से वो क्या करेंगे, उन पेड़ों को मेंटेनेंस करने के लिए प्रत्येक साल पेमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। देखिए प्रतिवर्ष क्या किया गया है, प्रत्येक 8 जून को ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, 8 जून को ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कितने महासागर है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाल ही में एक नया महासागर 5वें नंबर का महासागर खोजने की बात की गई, मैं बता देता हूं कि 4 महासागर स्थित है, हाल ही में क्या कर दिया गया, 5वां महासागर खोजने की बात कही गई है, समझ गए होंगे। आगे मैं आगे करंट अफेयर के अंतर्गत पर उसको रिलेट करूंगा, अभी आप इतना ही जान लीजिए। हाल ही में क्या किया गया, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, मैं क्या कर दिया गया, मोनपा बोली पर आधारित फिल्म वाटर वैरियर ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मोनपा बोली पर आधारित फिल्म वाटर वैरियर ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर जीता गया है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता
अन्ना लक्ष्मी देवी ने 54वें वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की में निर्देशक के लिए गोल्डन रेमी पुरस्कार जीता है। क्या किया गया है यहाँ पर देखिए, वापस रिपीट करते हैं। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता लक्ष्मी देवी ने 54वें वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्देशक के लिए क्या किया है, गोल्डन रेमी पुरस्कार इनके द्वारा जीता है। ठीक है, समझ गए होंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया है, इसके अंतर्गत पे QS, ठीक है, QS था यहाँ पर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार 8 भारतीय विश्वविद्यालयों ने विश्व स्तर की 400 रैंकिंग के अंतर्गत पे अपना स्थान जमाया। ठीक है, भारत के अंतर्गत के 201 डाटा जारी किया गया QS वर्ल्ड के अंतर्गत पे, टॉप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पे, तो भारत के अंतर्गत पे 8 आए, लेकिन उसके अंतर्गत पे देखिए जो 3 इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन सा था, 117वें नंबर पर पायदान पर आया IIT बॉम्बे आया, और 185वें नंबर पर पायदान पर आया IIT दिल्ली, और उसके बाद आया 186वें नंबर के पायदान पर कौन आया, जो IISc बेंगलोर का आया। ठीक, कौन से नंबर पे, 186वें नंबर पायदान पर आया। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन यहाँ पर। हाल ही में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है 9 जून को, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है ना, इनको द्वारा क्या किया गया था, जो आदिवासी स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा संघर्ष किया गया आदिवासियों की सेवा सुरक्षा के लिए, तो इनकी जो पुण्यतिथि होती है प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जून को वहाँ के आदिवासियों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, ये किस राज्य से बिलोंग करने वाले थे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ये छत्तीसगढ़ के थे, मध्य प्रदेश के थे, या बिहार के अंतर्गत पर से, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसी के अंतर्गत के रहने वाले थे, ठीक है ना। आगे बताया गया है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे को नियुक्ति किया। हाल ही में क्या किया गया है, नए चुनाव आयुक्त को नियुक्ति किया गया है, जिनका नाम क्या है, अनूप चंद पांडे हो गया। ठीक, क्या नाम हो गया, नए चुनाव आयुक्त का नाम है अनूप चंद पांडे। ठीक, क्या हो गया, बार बार रिपीट करते हैं, अनूप चंद्र पांड्या हो गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन है, सुशील चंद्र हो गया, और अन्य नंबर की बात करें तो कौन है यहाँ पर, राजीव कुमार। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्र है। इसी के अंतर्गत पर जो नए चुने गए, ये 1984 बैच के IAS ऑफिसर है अनूप चंद्र पांडे जी, इनको क्या कर दिया गया, नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्र है, और अन्य कौन है, राजीव कुमार हो गए। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिप्टी गवर्नर 2 साल के लिए किसको चुना गया है, MK जैन को नियुक्त कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए, MK जैन को 2 साल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के लिए चुना गया है। अगर इन्हीं के अंतर्गत पर अन्य डिप्टी गवर्नरों की बात करें तो 3 अन्य है, जिनका नाम क्या है, माइकल पात्रा हो गया, और दूसरे नंबर की बात करें तो एम राजेश्वर हो गया, और तीसरे नंबर की बात करें तो रविशंकर हो गया। ठीक, इकोनॉमिक्स से रिलेटिव अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अंतर्गत पर देखिए, मैंने 5-7 क्वेश्चन रिलेट कर दी। पहले RBI का फुल फॉर्म बता दिया, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कब इसको बना था, और RBI के 2 साल के लिए डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया, और 3 अन्य नए जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन है, इसके अंतर्गत पर मैंने बता दिया। ठीक है, 3 अन्य डिप्टी गवर्नर कौन है, माइकल पात्रा हो गया, एम राजेश्वर हो गया, और रविशंकर हो गया, और ये देखिए 4th नंबर के जो है ये कौन हो गए, MK जैन हो गए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। ये डाटा थोड़ा सा रेयर रहता है, बहुत सारा गूगल करने के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, सतत विकास कार्यों पर भारत का रैंकिंग 2021 पर क्या है, 117 पायदान पर रहा है। देखिए, सतत विकास कार्य जिसको क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल है इसके अंतर्गत पर स्थित है, लेकिन भारत के अंतर्गत पर 2021 के अंतर्गत पर 17 पायदान पर स्थित है, लेकिन 2020 के अंतर्गत पर 115 पायदान पर था, लेकिन ये क्या हो चुका है, अपने 193, ठीक है, 193 कंट्री वैसे तो वर्ल्ड में 195 कंट्री, लेकिन जो लिस्टेड है 193 कंट्री है उनके अंतर्गत में भारत 117 पायदान 2021 के अंतर्गत पर रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 17 जो गोल है उसके अंतर्गत पर, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एंड जो भी है TC एटसेट्रा करके, इतना डीपली जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इकोनॉमिक्स से नेट की तैयारी कर रहे हैं, PhD या UPSC के अंतर्गत पर ऑप्शनल है, तो उसके लिए पढ़ने के लिए थोड़ा सा रेयर हो जाता है, गूगल करके भी आपको मिल जाएगा जो 17 गोल है। ठीक है, SDG जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और हिंदी में सतत विकास कार्य। ठीक, दोनों रूप से बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए, ताकि आप कन्फ्यूजन न हो। तो भारत की रैंकिंग 2021 के अंतर्गत पर 117 पायदान पर रहा, 193 देशों के अंतर्गत पर, लेकिन अगर इसी के अंतर्गत पर 2020 के अंतर्गत पर की बात करें तो इसका पायदान 115 के अंतर्गत पर था। ठीक है, प्रतिवर्ष कब किया जाता है इसको,
जारी किया जाता है डाटा, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, आसान शब्दों से समझा दिया मैंने। आगे क्वेश्चन है, आगे क्या है देख लेते हैं हम। आगे है, रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नौसेना तथा रक्षा कर्मियों के रूप में क्या किया है, पदभार को ग्रहण किया गया। हाल ही में क्या किया गया, रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नौसेना व रक्षा कर्मियों के रूप में पदभार को इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, संभाला गया। आगे बात करेंगे, भारत का चौथा ग्रैंड प्रिक्स 2021 के अंतर्गत पे 21 जून को कहां पर होगा, पटियाला में आयोजित किया जाएगा। पटियाला कहां पर स्थित है, पंजाब के अंतर्गत पर स्थित है। भारत का जो चौथा ग्रैंड प्रिक्स है 21 जून को पटियाला पर आयोजित किया जाएगा। जो पंजाब है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गया और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ऐसा मुख्य कारण क्या है कि देखिए, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसका कारण भी मैं बता देता हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो पंजाब की कैपिटल लाहौर थी, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद में क्या हो गया, भारत के अंतर्गत पे ये पंजाब आ गया, पाकिस्तान के अंतर्गत पे भी है, ठीक है ना। 7 प्रोविंस उसके अंतर्गत पे बटे हुए हैं, कभी उसका भी अलग से डीपली हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत पे। तो वहाँ पर से जो प्रोविंस है वहाँ पर भी पंजाब है, ठीक है ना, खैबर पख्तून हो गया, इसी जो भी है लाहौर जो उसके अंतर्गत पे कहाँ कहाँ पर क्या स्थित है, तो उसी के अंतर्गत पे क्या था कि जो लाहौर है भारत की कैपिटल, सॉरी जो पंजाब की कैपिटल है वो क्या थी, लाहौर पर स्थित थी। लेकिन बाद में जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद में पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ कर दिया और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ पर कर दिया गया, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता बुद्धिदेव दासगुप्ता का निधन हो गया। देखिए, कभी पूछ सकता है कि बुद्धिदेव दासगुप्ता कौन थे या निधन हो गया या क्या है, ऐसे प्रकार से रिलेट कर सकता है। तो बंगाली फिल्म के फिल्म निर्माता थे बुद्धिदेव दासगुप्ता, काफ़ी प्रसिद्ध थे, इसलिए हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारतीय किसान आंदोलन के जनक, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय किसानी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय किसान आंदोलन के जनक आचार्य एनजी रंगा की 26वीं पुण्यतिथि कब सेलिब्रेट की गई, 9 जून को इसको सेलिब्रेट किया गया, कब किया गया। हाल ही में भारतीय किसान आंदोलन के जनक कौन थे, आचार्य एनजी रंगा, आचार्य एनजी रंगा थे। 26वीं पुण्यतिथि कब सेलिब्रेट की गई इनकी, 9 जून को मनाया गया, ठीक है ना, समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के अंतर्गत पे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामांकित किया गया। हाल ही में क्या किया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU जिसको कहा जाता है, द्वारा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को विश्व का जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामांकित किया गया है। और उसके बाद में है ओसाका हो गया, एडिलेड हो गया और वेलिंगटन हो गया, टोक्यो और पर्थ और ज्यूरिख से एटीसी और कंट्रीज के अंतर्गत पे इंक्लूड है, जहां पर रहने के लिए क्या है, ह्यूमन के लिए काफी सेफ्टी उपलब्ध है, ठीक है, समझ गए होंगे। काफी आसान शब्दों से आपको समझाने की कोशिश की, 6 जून से लेकर 10 जून का इसके अंतर्गत से अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाएगा तो इसी के अंतर्गत से रिलेट करेगा। लगभग हमने 45 से प्लस क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत से जाना है, 40 जितने भी क्वेश्चनों को जाना, और इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, समझ गए होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं जो करंट अफेयर का है। आगे वाले सेशन के अंतर्गत पर फिर आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर जो भी एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार हम आपके लिए क्या करेंगे, जो सीरीज है प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें, उसका नोटिफिकेशन, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो सके। और आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यदि और इंफॉर्मेशन भी आप हमें क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस जय हिंद, जय भारत।